तभी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार रही सहारा इंडिया में एक समय देश के करोड़ों लोगों ने निवेश किया था, लेकिन कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता ना होने साथ ही साथ वित्तीय अनियमितताओं के चलते इसमें कई लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा फंस गया था। मोटा रिटर्न पाने के लालच में लोगों ने सहारा की कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन मैच्योरिटी पर इन कंपनियों ने निवेशकों को पैसा देने की बजाय ठेंगा दिखा दिया। अब जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है और फिर सहारा से भी विवाद सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में आइए बारीकी से समझते हैं क्या है सहारा स्कैम, या यूं कहें कि क्या है सहारा सेबी विवाद, जिसमें देश के कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा ना तो सहारा और ना ही सेबी ने वापस लौटाया है। सहारा इंडिया की शुरुआत साल 1978 में हुई थी। सहारा स्कैम मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। बात 30 सितंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइवेट सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में आवेदन दाखिल किया था। डीआरएचपी में कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारी होती है। जब सेबी ने इन डीआरएचपी का अध्ययन किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की दो कंपनियों की पैसा जुटाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां दिखाई दी थी। ये दो कंपनियां SHICL और SIRECL ही थी। इसी दौरान 25 सितंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को दो शिकायतें मिली। इसमें यह कहा गया कि सहारा की कंपनियां वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर रही हैं और गलत तरीके से धन भी जुटा रही हैं। इन शिकायतों से सेबी की शंका और सही साबित हो गई। इसके बाद सेबी ने इन दोनों कंपनियों की जाँच शुरू कर दी। सेबी ने पाया कि SIRECL और जबकि SHICL ने OFCD के जरिए से 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद करने का आदेश भी दिया और ये कहा कि वो निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। अगस्त साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दे दिया। साथ ही सेबी को सभी OFCD धारकों की डिटेल प्रदान करने के लिए भी कहा गया। इसके बाद सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंचा, जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थी, लेकिन इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक और गहरा गया। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में नाकामी हासिल हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कानून के शिकंजे में आखिरकार सहारा ग्रुप कैसे आया। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। उन्होंने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार भी हुए। नवंबर 2017 में ईडी ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चार्ज किया। इस तरह सहारा ग्रुप पूरी तरह कानून के शिकंजे में आ गया था। सहारा ने सेबी को पहली किस्त में 5120 करोड़ रुपए की जमा कराई थी राशि। रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा समूह की कंपनियों सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, साथ ही उनके प्रवर्तकों और निवेशकों ने सेबी को कुल 15,485.80 करोड़ रुपए ही जमा कराए। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था, सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 194,087 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 63,850 करोड़ रुपए जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2012 के बाद के आदेशों के मुताबिक SIRECL और SHICL ने निवेशकों से जुटाई गई 25,781 करोड़ रुपए की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए की जमा किए गए थे। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि सेबी सहारा इंडिया के निवेशकों को अब तक केवल 138.07 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 53,682 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक या फिर उससे जुड़े 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से सेबी ने 38,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक वाले 17,526 योग्य बॉन्ड धारकों को 138.07 करोड़ रुपए की राशि रिफंड की है।
सेबी क्यों नहीं लौटा पा रही ये पैसा और सेबी द्वारा निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटाने के पीछे की जो दलील दी जा रही है वो आपको बताते हैं। उसमें दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा बताया गया कि सेबी के पास रिफंड के लिए आई गई कई आवेदन या तो SIRECL या फिर SHICL द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और डाटा में रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने की वजह से, साथ ही सेबी द्वारा पूछे गए सवालों को लेकर बॉन्ड धारकों से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए। वहीं जिन लोगों का पैसा SIRECL या फिर SHICL से कन्वर्जन कराकर सहारा क्यू शॉप या फिर सहारा की जो अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें उलझा दिया गया, उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा हो गई हैं। अब सहारा श्री कहे जाने वाले सुब्रत रॉय ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन निवेशकों का सवाल जस का तस बना हुआ है। अब देखना यही है कि सरकार निवेशकों के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।